एमसीएम डेवी कॉलेज फॉर वुमेन की मेडिकल कमेटी और एनएसएस यूनिट ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे का आयोजन किया, जिसमें एमसीएम की पूर्व छात्रा और हिमाचल की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। उन्होंने कहा कि महिलाएं कई क्षेत्रों में काम कर रही है, पर एक लंबा रास्ता तय करना है ताकि समानता पूर्वक कार्यशैली हो। इंडियन डेंटल एसोसिएशन चंडीगढ़ स्टेट ब्रांच और इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्स के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में एमसीएम की पूर्व छात्रा तथा हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला की वाइस चांसलर प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल बतौर मुख्य अतिथि तथा प्रोफेसर आशिमा गोयल डिपार्टमेंट ऑफ पेडोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डिस्ट्रिक्ट्री पीजीआई चंडीगढ़ बतौर विशिष्ट उपस्थित रहे। इंडियन डेंटल एसोसिएशन चंडीगढ़ राज्य शाखा के निर्देशक डॉक्टर आरपी गुप्ता विशेष अतिथि के रूप में सुशोभित रहे। अपने संबोधन में प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल ने कहा कि महिलाएं सशक्त पैदा होती हैं। ये समाज में महिलाओं के प्रति हीन मानसिकता ही उन पर न्याय और लैंगिक भेदभाव का असली कारण है। प्रोफेसर जायसवाल ने कहा कि अब समय बदल रहा है और अधिक से अधिक महिलाएं बाहर निकलकर कई क्षेत्रों में नाम कमा रही हैं, लेकिन अभी भी जहां एक समानता पूर्वक समाज का संबंध है तो एक लंबा रास्ता तय करना है। आज का जो कार्यक्रम है ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम एमसीएम डीएवी कॉलेज, इंडियन डेंटल एसोसिएशन की चंडीगढ़ ब्रांच और इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट के साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं, आज का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हम कुछ एम्पावर्ड वुमेन जो हैं, जो जिन्होंने कोई ज़िंदगी में अपना एक मुकाम हासिल किया है, उनके काम को हम यहाँ पर एक तरह से आइडेंटिफाई करके और उनको सम्मान दे रहे हैं। तो कुछ इस कार्यक्रम में हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल, जो कि हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर हैं प्रोफेसर आशिमा गोयल, जो पीजीआई से हैं। और इसमें हम अपने कुछ स्टाफ मेंबर्स को भी सम्मानित कर रहे हैं, जो एक तरह से इंस्टीट्यूशन के पिलर्स हैं और जिन्होंने इंस्टीट्यूशन के लिए पिछले 30 साल से भी ज़्यादा समय से काफ़ी कार्य किया है। आपको पता है कि हमारे कॉलेज की नेशनल रैंकिंग है और बहुत से एरियाज़ में इसमें इसने अपना नाम कमाया है। तो जिन लोगों ने इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाया है, उनमें से कुछ जो सीनियर लोग हैं उनको हम आज सम्मानित कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को, उनको हम उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो जितने भी हमारी वुमेन गेस्ट आई हैं, जो एम्पावर्ड वुमेन हैं, उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से, अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज से स्टूडेंट्स को उत्साहित किया है कि वो भी उन्हीं की तरह के बने और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्हें उन नियमों से अवगत कराया है जिनका सहारा लेकर, अगर उन्हें कोई कमजोरी है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो उन कानूनों की सहायता से वो स्ट्रेंथ ले सकती हैं। चंडीगढ़ पुलिस की स्वयं टीम द्वारा आत्मरक्षा पर एक नाटक विभिन्न परिस्थितियों में आत्म सुरक्षा तकनीकों का प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करता है। महिलाओं पर आधारित एक दिलचस्प प्रश्नोत्तरी में भी उत्साही भागीदारी है, जो वो देखी गई। कॉलेज के वरिष्ठ संकाय सदस्य, जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष छात्राओं को सशक्त बनाने में दिए, उन्हें इस अवसर पर सम्मानित किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर निशा भार्गव ने महिलाओं को शिक्षित करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो हम एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। सोशल मैसेज यही है कि अब तक हम बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन इक्वालिटी की, बट अब ये चीज सामने आ रही है कि वुमेन आर यूनिक, वुमेन इज नॉट इक्वल टू मैन, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ऊपर है वो, उसमें कहीं ज्यादा बहुत से काम इकट्ठे करने की मल्टीटास्किंग की स्ट्रेंथ है। उसमें बहुत सारे काम वो एक साथ कर सकती है, बहुत सारी तकलीफ़ों को झेलते हुए भी वो मुस्कुरा सकती है। ये उसकी एक यूनिक, उसकी ये क्वालिटी है। इसलिए स्त्री जो है वो पुरुष से उसके बराबर नहीं है, वो यूनिक है, बिल्कुल अलग है उसकी विशेषताएं। वही कॉलेज के कई छात्रों ने कहा कि आज समय में बदलाव तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जहाँ पर लड़कियों को चीज़ें समझाई जाती हैं, तो वहीं लड़कों को भी उतना ही उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। चंडीगढ़ का अगर वैसे देखा जाए तो देखिए, औरतों की सुरक्षा तो कहीं भी इतनी कुछ खास नहीं है, पर अगर जैसे हम दिल्ली और बाकी के बड़े शहरों के मुकाबले देखे जाएं, तो फिर भी चंडीगढ़ में औरतें कंपैरेटिवली सुरक्षित हैं। देखिए, औरतों की सुरक्षा जो है वो केवल वो ज़्यादातर एक सामाजिक मुद्दा है, और ये शुरू तभी से हो जाता है जब से
एक बच्चे को का पालन पोषण किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों को एक पर्टिकुलर तरीके से ही पाला बड़ा किया जाता है और लड़कों को एक पर्टिकुलर तरीके से ही. हमें हम हमेशा लड़कियों को ये समझाते हैं कि ये करो वो करो या ये मत करो वो मत करो, पर हम कभी भी लड़कों के ऊपर वो बंदिशें नहीं लगाते. तो अगर हम लड़कों को ही ये बचपन से समझा दें कि आपको अपना तो ध्यान रखना ही है, साथ में औरों का भी रखना है, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का जेंडर का मतभेद ना हो, तो मुझे लगता है वहीं से इसका जो बीज होंगे वो वहीं पे बो दिए जाएंगे. चंडीगढ़ में सुरक्षा ना बहुत अच्छी है ना बहुत ख़राब है. अगर हम बाकी शहरों में देखें तो उससे तो बहुत अच्छी है, बट अभी भी बहुत कमियां हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं और बहुत कुछ करना चाहिए भी. गवर्नमेंट को, लोगों को, पुलिस को, सबको मिलजुल कर एक अच्छी सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें महिलाएं सुरक्षित फील करें एंड उन्हें किसी भी चीज़ का डर ना हो. पहले तो मुझे लगता है एक बच्चियों को स्कूल और कॉलेज में ही ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो किसी से डरे ना. उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकें. स्कूल से ही उन्हें ऐसी तकनीक सिखाई जानी चाहिए, ऐसे तरीके सिखाने चाहिए कि वो अपनी सेफ्टी खुद कर सकें, उन्हें किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े. दूसरी, मुझे ऐसा लगता है थोड़ी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए रूल्स की. पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, पर सोसाइटी को मिलकर, मैंने देखा है कि लोग होते हैं साथ में कुछ हो रहा होगा वो निकल जाते हैं वहाँ से. तो मुझे लगता है लोगों की जागरूकता भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वहाँ खड़े रहकर सिर्फ तमाशा और वीडियोस ना बनाएं, वो आगे आकर सपोर्ट करें, आवाज़ उठाएं और मिलकर उनका सहयोग करें. एंड तीसरा, मुझे लगता है मीडिया का भी रोल थोड़ा, कि हर चीज़ को कमर्शलाइज और सेंसेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब मीडिया को भी थोड़े ऐसे लोग भी दिखाने चाहिए जो बहुत काम कर रहे हैं और कैसे इसको इम्प्रूव करा जा सकता है.